वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथ साथ जी आप पुष्कर तो निकले हैं, अजमेर पहुंचे हैं, जो अजमेर लोग पार कर रहे हैं, तो आप अज चलांगे पिंड धुआं जिला टोंक। इस जगह धुआं विखे बाबा तन्ना जी का गुरद्वारा बना है कि जो कि बाबा लखा सिंह जी कार सेवा वाले ने बनाया। इसकी लोकेशन इस तरह हैगी है कि जे आप जयपुर तो कोटा राष्ट्रीय मार्ग उपर चलते जेडे उपर हुण अहीं चढ़ चुके हैं, तो इस मार्ग उत्ते देवली शहर तो इसकी जी दूरी है 35 किलोमीटर, तो जे आप आने टोंक तो 25 किलोमीटर है, और यदा एक छोटा जहा कस्बा पिंड के लागे बरनी, वो अगर आप उतों आने तो यह चढ़ते वाले पास में 5 किलोमीटर की दूरी पर आ, और पिंड दे विच जाके गांह फिर चढ़ते वाले पास में कोई किलोमीटर के उत्ते यह वो स्थान है बाबा तन्ना जी का जिथे कि वह खेतीबाड़ी करते थे, और उत्थे जिहड़े इन्हां दी जमीना सी उत्थे बहुत ही सुंदर गुरद्वारा बनया होया है। आप अज उसके दर्शन करांगे ते नाल नाल आप इतिहास की सांझ पावांगे। ऐ बिद सुन के जाट रो ऊठ सवारे ही भगती लाग्या, प्रत्यक्ष पाया गुसाइयां धन्ना बड भागा। धन्ना जी तू चार धाम की यात्रा आराम से करा, तेरा काम मैं करा। धन्ना जी नू चार धाम की यात्रा भी कराई, तो 4-5 महीना उन्होंने गऊं चारदा रहा। साझीवालता के प्रतीक धन धन श्री गुरु साहब महाराज जी विच 15 भगतों की बाणी दर्ज है। धन धन श्री गुरु नानक पातशाह जी ने भारत के अलग अलग सूबों विचों इन्हों भगतों की बाणी एकत्र किया, और गुरु ग्रंथ साहिब विच बराबर का अधिकार दे के इन्हां दी बाणी नूं दर्ज किया। इन्हां भगतों विचों बाबा तन्ना जी का नाम श्रोमणी भगतों विच आउंदा है। इन्हां दा जन्म राजस्थान के कोटा जिला पिंड धुआं कला विखे पिता रमेश्वर दास ते माता गंगा बाई दे कुखों 20 अप्रैल 1416 ईस्वी नूं हुंदा है। राजस्थान दे विच सब तो लंबी नदी जिहड़ी बनास है, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इस उत्ते बने हुए बिसलपुर बन्न विचों कढ़ियां गईयां छोटियां नहरां द्वारा यह सरबज है। प्रमुख फसलां इत्थों दियां कणक सरों धनिया ते सोयाबीन आदि पैदा कीते जांदियां हन। मिट्टी की किस्म काली है। भगत तन्ना जी का मुख धंधा भी आम किसानां वांगू खेतीबाड़ी अते पशु पालन सीगा। भगत तन्ना जी बचपन तो ही भोले सुभा दे अते दिल विच रब्बी प्रेम रखते सन अते धार्मिक प्रवृत्ति के मालक सन। वह धर्मी पुरशां दी जीवन कथावां अक्सर पिंड के सियाणे लोगों विच सुणदे सन। उन्होंने भगत कबीर, भगत रविदास, भगत सैन ते भगत नामदेव आदि भगतों के जीवन बारे काफ़ी कुछ सुन रखा सी, जिन्हां दे सदका उन्होंने मन में भी प्रभु भगती का प्रेम चाव पैदा हुआ। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी एक शब्द उचार के भगत तन्ना जी ने सरपाओ बख्शते हैं, जिस विच आप जी इस गल की प्रोड़ता करते हुए राग आसा विच इस प्रकार लिखते हैं। सैन नाई बतकारियाँ ओह घर घर सुनिया, हिरदे वसया पार बरा भगता मह गणिया। यह बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइयां तन्ना वड भागा। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच राग आसा विच 487 अंग दे उपर यह शब्द दर्ज है जी। इसे चाओ अते रब्बी खी सदका ओह काशी दे वसनीक स्वामी रामानंद दे चेले बन गए अते आरंभिक अवस्था विच सरगुण स्वरूप की उपासना करन लगे। एक प्रचलित साखी दे अनुसार एक इन्हां दा कुल पंडित सीगा जिहड़ा कि इन्हां दे घर विच पूजा पाठ करिया करदा हुंदा सीगा। पूजा पाठ दे संबंध विच एक दिन उह पंडित इन्हां दे घर आउंदा है अते 3-4 दिन रह के इन्हां दे घर विच पूजा पाठ करदा है। उह अपने नित कर्म दे अनुसार हर रोज़ ठाकर सालग्राम पत्थर की पूजा करिया करदा सी। भगत तन्ना जी भी इस नूं बड़ी गहरता दे नाल वेखदे सन अते विचारदे सन कि वाकई ही इस तरह प्रभु नूं पाया जांदा है। जिस दिन पंडित की पूजा खत्म हुई ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠਾਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿਧਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ
तो भगत धन्ना जी पंडित जी द्वारा दसी गई विधि के अनुसार ठाकुर का इनान कराया, विधि पूर्वक सजा के उसकी सेवा पूजा में जुट गया। पूर्ण श्रद्धा और सच्ची भगती द्वारा ठाकुर का जस गाउन लगा। उसका हर सह ठाकुर की उपमा के ही गुजर रहा है। इस दौरान भगत जी के घरों रोटी और लस्सी भी आ गई। भगत धन्ना जी पंडित जी द्वारा दसी गई मर्यादा अनुसार आप शगन तो पहला यह भोजन ठाकुर को अर्पण करके भोग लगाने लिए शकन लिए बेनतियां कर लगा। भला पत्थर ने भोजन की करना सीगा, यह तो पंडित जी की एक रवायत मर्यादा से जिसनों भगत धन्ना जी ने सच मान के प्रभु द्वारा भोजन छके जाने का इंतजार कर लगे। शाम पै गई, ठाकुर ने भोजन ना छकया, पर यह जिहड़ा सिलसिला सीगा यह कई दिनों तक चलता रहा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे हन धन्ने सेवया बाल बुद्ध। इस शब्द अनुसार ठाकुर के भोजन ना छकन कारण भगत धन्ना जी भी आप भुखे भाने बच्चा वाग हर रोज़ बेनतियां करते रहे। भगत धन्ना जी की सच्ची श्रद्धा हठ विश्वास ते प्यार वेख के मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वडभागा अनुसार उत्थे प्रभु जी प्रगट होए अते भगत धन्ने नूं दर्शन दे के निहाल किया। भोजन छकया, प्रभु जी के दर्शन करके धन्ने की खुशी की कोई हद ना रही। जिवें जन्म जन्म के रंग नूं सारे खजाने की प्राप्ति हो गई। प्रभु की कृपा सदका धन्ना आत्म ज्ञानी परम पद का अधिकारी बनया। चरल कथा अनुसार प्रभु ने प्रेम वस होकर भगत धन्ने का खूह भी हक्या, उस दिया मझा भी चारियां, गावं भी चारियां, हाल भी वाया। मानो भगत धन्ने ने अपनी प्रेमा भगती का सदका ही प्रभु नूं अपने वस विच कर लिया। जिहा कि गुरबाणी विच भी लिखा है, तू भगता के वस भगता तान तेरा। इस घटना की खबर पा के पंडित लोचन भी प्रभु के दर्शन की प्राप्ति लिए भगत धन्ने दी मिन्नता कर लग्या। धन्ने ने प्रभु जी को पंडित जी ने भी दर्शन देने वास्ते बेनती की, पर प्रभु जी ने दर्शन ना दिते, क्योंकि पंडित त्रिलोचन की भगती सच्ची ना होकर बल्कि रवायती सी। प्रभु दर्शन की प्राप्ति ना होंगी वेख के पंडित जी का हिरदा भी शुद्ध हो चुका सी। मन में हंकार का जोड़ा पहाड़ से वह भी टह चुका सी। पूर्ण रूप दे विच प्रभु का शरणागत बन चुका सीगा यह पंडित। एक दिन भगत धन्ना इस पंडित को एक दरख्त दे ओले अपने खेतों में खड़ा कर दिता है, तो आप उत्थे रोटी खोल के ते बेनतियां करता है कि ठाकुर जी आओ भोग लाओ। और ठाकुर जी भगत की इस बेनती सुन के आते हैं और इस पंडित को भी दर्शन देते हैं। प्रभु ये सब जानते हैं कि इस भोले भाले भगत ने इस दरख्त के पिछे उस पंडित को लुकोया होया है। प्रभु हस भी रहे सी अते उसका भोजन भी ग्रहण कर रहे सीगे। यह नज़ारा सारा कुछ पंडित दरख्त के पिछे खड़ा तक रहा सी अते दर्शन करके वह तन तन हो रहा सीगा। इस इलाके के लोग इस पवित्र मिट्टी में इतों जा के अपने खेतों में पाते हैं और उन्होंने जी मन का विश्वास है कि इसनों अपने खेतों में पाने के नाल खेतों में जो फसलों उन्होंने बीमारी नहीं लगती, झाड़ दुगुना चौगुना होता है। यह लोग इस जमीन के उत्ते मलमूत्र त्यागन तो भी परहेज करते हैं। वह मानते हैं कि इस धरती के उत्तर प्रभु ने आप उतर के हल चलाया है, खेत उन्होंने खेतों को पानी दिता है, अते प्रभु ने अपने इस धरती उपर चरण पा के इस सारी धरती को पवित्र किया होया है। जिस धरती उत्ते प्रभु के चरण पए होण उस तो जिहड़ी पवित्र चीज़ है होर कहड़ी हो सकती है। इस पिंड दे विच एक विशाल डैम बनया होया जिसनों लोग मोती डैम कहिंदे हन। इस डैम के पानी के नाल इस सारे इलाके की सिंचाई हुंदी है। इस गुरद्वारे विच लंगर हाल, दवान हाल अते संगतां लई रैश की इमारत भी बनी हुई है अते होर भी कई सेवावां चल रही हैं। श्री मान संत बाबा लखा सिंह जी वालों इस स्थान का मुख सेवादार बाबा शेर सिंह नूं थापिया गया है, जो बड़ी ही मेहनत लगन नाल गुरद्वारा साहब की सेवा निभा रहे हैं। गुरद्वारे कोले लगभग कोई 20 किले जमीन भी है, जो कि राजस्थान के लगभग कोई 35 बन जाते हैं। इन्हां विच्चों 10 किलों के विच गुरद्वारा साहब की सारी इमारत बनी हुई, जिस विच सरावां, लंगर हाल अते होर दवान हाल बने हैं। बाकी के जिहड़े 10 किले आ उस विच खेती की जाती है, जिस की उपज तो इस गुरद्वारे का सारा प्रबंध चलता है। पिंड धुआंकल विच भावें कोई सिखां दा घर नहीं है, पर पिंड दे लोक अते पंचायत इस पावन स्थान प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए अपना पूरा सहयोग देंदे हैं। देश विदेश तो संगतां दर्शनां लई आउंदियां हन अते इस स्थान के दर्शन करके अपने आप नूं वडभागा महसूस करदे हन। आम तौर पर सचखंड श्री हजूर साहब के दर्शन जाण वाली संगतां भी इस स्थान के दर्शन करके गुरु घरां विच लंगर छक के अते अपने अगले पड़ाव वल वधदियां हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंग जी, मैं थोड़े नाल गुरियाम सिंह। अज असी गुरद्वारा जन्म स्थान भगत धन्ना जी धुआंकलां टोंक विखे आए हुए सूँ, मिले बड़े ही सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी,
और अपनी मैं जो देख रहा सी इन्हां दे अंदर जज्बा बहुत है कि मैं सिख इतिहास दे नाल संबंधित जिहड़े गुरधाम ने उन्हां दी यात्रा करा अरे संगत नूं उहदे दर्शन दीदार करावां। आम तौर पर असीं वेखदे हां कि जदों इन्नी उम्र हो जाती है तो साडे वडेरे घरां दे विच बैठ जांदे आ, लेकिन जिदा इन्होंने मैं दसिया सरदार परमजीत सिंह जी ने लुधियाने तो इन्होंने दसिया कि इन्होंने फरजंद ने इन्होंने कहा कि पिता जी तुसीं बहुत मेहनत की है और सवेरे 4 बजे उठ के 11 बजे तक रातों मेहनत करते रहे हो तो हूँ तुसीं गुरधामां दे दर्शन करो। तो मैं ये भी समझदा कि वह मेरा वीर जिथे भी सुनदा वेखदा है जाके दसणगे उन्होंने मैं धन्यवाद भी कहना और उन्होंने मैं शाबाशी भी दिना कि तुसीं बड़ा वड्डा कमाल का फैसला लिया। और अज असीं दर्शन दीदार कर रहे हैं गुरद्वारा जन्म स्थान भगत धन्ना जी धूआ कलां टोंक विखे। तो सरदार साहब बहुत वधिया लगा तुहाडा जज्बा वेख के मैनू बहुत अपने आप च आनंद आया क्योंकि इस उम्र दे विच लोग बैठ जांदे आ घरां दे विच लेकिन तुसीं दर्शन दीदार कर रहे हो, की कहोगे तुसीं संगत नूं? इस जगह जदों असीं छोटे कन्न वास्ते कल शामी आए सीगे रस्ते साडी गड्डी फस गई तां नेरा हो इह वीर सिवल कपड़ा विच खड़े सी जिद्दां आपां घर विच नॉर्मल हुंदे इहनां ने आउंदे मेरा हाल चाल पुछिआ की हाल चाल मैं ठीक आ जी कहिंदा टिकटां पाउंदा मैं टिकटां पाउंदा कुछ नहीं गड्डी फस गई मैनू ऐ लगे जिवें इहनां नूं पता हुंदा वी साडी गड्डी उत्थे फसी हुई सी। तो फिर मैंने बाद मैं ऐ लगे भी यार जो मैं कि कोई जाना पछाड़ जहाँ हों फिर सुबह मिले फिर पता लगे तो बरियाम सिंह ने पीटी आए करो तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई अपने इस तरह के अपने हालात होंगे कि आप इन्ना खर्चा नहीं कर सकते दूसरा के दर्शन करने वास्ते तो उन्होंने घर बैठा इतिहास मिल जाता है क्योंकि अच्छा नैट का जमाना नैट के जमाने हर चीज़ फास्ट हो चुकी है तो करके सात समझ सारा समझ पाया करो अपना जारी रखो शूट का सारा अभी अगे निकलना और बड़ी वधिया मुलाकात साडी रही करन जोशी नाल तुसीं भी सानूं मिले मारे तुहानूं चढ़दी कला तंदुरुस्ती बख्शे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।